हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो आज मैं जो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। इसमें से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या इसी टाइप का आएगा, तो थोड़ा इस पर आप ध्यान देंगे। विच कंट्री Which country do you live in? आप किस देश में रहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कहाँ है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखे स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर थ्री, आर यू इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? तो यहाँ लिखना है यस। क्वेश्चन नंबर फोर, इज इंडिया ए वीक कंट्री? क्या भारत एक बड़ा देश है? यस। क्वेश्चन नंबर फाइव, डू वी लव इंडिया? क्या हम सभी भारत से प्रेम करते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए यस। स्टूडेंट ये आपका जरूरी क्वेश्चन आंसर है, इस पर ध्यान देंगे। इसमें से फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर वन, विच कंट्री डू यू लिव इन, आप किस देश में रहते हैं? तो इंडिया। हम लोग किस देश में रहते हैं स्टूडेंट्स? इंडिया, हमारे देश का नाम भारत है। तो क्वेश्चन नंबर टू, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कहाँ है? तो लिखना है न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। आर यू इंडियन, क्या भारतीय हैं? तो लिखना है यस, हाँ हम भारतीय हैं, हम लोग भारत में रहते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग अफकोर्स भारतीय ही होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, इज इंडिया ए बिग कंट्री, क्या भारत एक बड़ा देश है? यस स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, भारत एक बड़ा देश है। डू वी लव इंडिया, क्या हम सभी भारत से प्रेम करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें तो यस लिखना होगा, क्योंकि भारत हमारा देश है
और हम सब तो भारत से प्रेम करेंगे ही, क्योंकि भारत हमारा देश है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जूही, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज योर फादर्स नेम? आपके पिताजी का क्या नाम है? तो स्टूडेंट, आपके पिताजी का जो नाम होगा वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ मिस्टर अनिल, लेकिन आप अपने पापा का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जितना उम्र है वो लिख देना है। मैं यहाँ पे 5 इयर्स ओल्ड लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आप किस वर्ग में पढ़ते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपनी क्लास लिखनी है। जो भी आपका क्लास है स्टूडेंट, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम? विद्यालय का क्या नाम है? स्टूडेंट, तो आप अपने विद्यालय का यहाँ नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर द्रोण सीनियर सेकेंडरी लिख दे रही हूँ।
ये स्टूडेंट आपका आवश्यक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दूसरा देखिए, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट अपने फादर का नाम, मैंने मिस्टर अनिल लिखा है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, तो स्टूडेंट आपको अपना एज लिखना है यहाँ पर, जितने भी वर्ष के हैं, तो मैंने 5 ईयर्स ओल्ड लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका प्रेप 1 है, प्रेप 2 है, जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, आपके विद्यालय का क्या नाम है, तो द्रोण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। देखिए, व्हाट इज योर नेम, जूही अपना नाम लिखिएगा। व्हाट इज योर फादर्स नेम, मिस्टर अनिल। स्टूडेंट यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, 5 ईयर्स ओल्ड। इन विच क्लास डू यू स्टडी, प्रेप 2, प्रेप 1। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, द्रोण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आई समझ में, मुझे बताएं और होमवर्क बना के व्हाट्सएप पे सेंड करें और फाइनल एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, हैव ए नाइस डे।